हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं संगीता और अपने चैनल पर आपको स्वागत करती हूं। गाइस, आज की वीडियो में बनाने वाली हूं मैं धोती सलवार, और ये 2.25 मीटर वाइट कलर का कॉटन का कपड़ा है और इसकी हम सलवार बनाएंगे। धोती सलवार बनाने के लिए आप इसको देखिए डबल करके फोल्ड कर लें पहले तो इस तरीके से, जैसे कि मैंने इसको कर लिया है। अगर आपके कपड़े में थोड़ी कान वगैरह है तो उसको पहले निकाल दें। उसके बाद देखिए इस तरीके से हमें इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है, और कोना हमें बिल्कुल मतलब किनारी जो हमें बराबर बराबर रखनी है, और जो साइड में हमारा ज़्यादा कपड़ा है वो अपने आप ही साइड में फालतू वाला निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें फ़ोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी लेंथ की नाप करनी है, जितनी भी हमारी लंबाई है। जो हमारी बेल्ट होती है, बेल्ट से अलग हमें इसकी नाप चाहिए पहले तो उसकी नाप हम रख लेंगे। जो बेल्ट से अलग हम नॉर्मल सलवार अपनी बनाते हैं उसके लिए हम बेल्ट से अलग जो भी हमारी लंबाई रहती है उसके अकॉर्डिंग हम इसकी लंबाई भी मेज़रमेंट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से, तो मैं रखती हूँ 33, तो मैंने 33 इंच पे इस तरीके से निशान लगाया है, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गोलाई दे दी है, और वहाँ पे ये पोंचा आ जाएगा हमारा। और ऊपर से जो मैं यहाँ पर नाप दे रही हूँ इसमें, ये है आसन वाला, आसन वाले में हम यहाँ पर 9 इंच पर मैंने निशान लगाया है, तो यहाँ पर 9 इंच में और 2 इंच की हमें गहराई देनी है। तो 2 इंच की गहराई देके हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब इधर की साइड देख लेते हैं। इधर की साइड हमें लगभग 2 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेना है, और फिर इसको कट कर देना है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक्स्ट्रा वाला कपड़ा निकाल दूँगी। ये इतना कपड़ा एक्स्ट्रा है फालतू, इधर से मैंने दिखाया ना ट्रायंगल बनाने के बाद जो कपड़ा एक्स्ट्रा है वो इधर से साइड से निकल जाएगा। आपका चाहे कितना भी कपड़ा हो इधर से निकल जाएगा, जितने कपड़े की हमें ज़रूरत है उतना कपड़ा हमें मिल जाएगा। तो देखिए 2 इंच मैंने कट कर दिया है, और अब ये आसन वाला एरिया भी मैंने यहाँ से कट कर दिया है, और ये पोंचे वाला भी कट हो गया है। तो ये हो गई है कटिंग बेल्ट से नीचे वाले पोर्शन की, और यहाँ से कपड़ा जुड़ा हुआ है क्योंकि मैंने डबल फोल्ड किया था, तो यहाँ से भी हम इसको अलग कर लेंगे काट करके। देखिए इस तरीके से हम इसमें यहाँ पे चुन्नट डालेंगे तो ये साइड में इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद देखिए गाइस हम निकाल लेते हैं जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, उसमें से हम निकाल लेंगे अपनी बेल्ट। और बेल्ट निकालने के लिए ये कपड़े की थोड़ी लंबाई कम है, सॉरी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही कम है, तो मैंने इसको इस तरीके से जोड़ लगाया है। इसमें एक जोड़ इसमें लंबाई में आया है, और एक ऊपर मैंने 2 इंच की पट्टी इसमें अलग से जोड़ी है जो कि नेफे में अंदर की साइड मुड़ जाएगी। देखिए आप देख सकते हैं बीच में जोड़ आ गया है, और ऊपर जो है लगभग 2 इंच की पट्टी मैंने इसमें ऐड कर दी है। उसके बाद गाइस देखिए इस तरीके से आसन वाला जो हमारा एरिया है इसका सलवार का, उसको हम इस तरीके से खोलेंगे, और हम एक साइड से इसको यहाँ से सिल लेंगे यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये दूसरा वाला जो है इसको हम बाद में सिलेंगे, तो सबसे पहले एक हिस्सा हम सिल लेंगे आसन वाला, इसको आपस में हम जोड़ लेंगे। तो देखिए मैं पहले इसको जोड़ लेती हूँ, और इस पर हमें डबल सिलाई करनी है ताकि ये बाद में उधड़े ना, इसको पक्का पक्का सिलना है। और मेरी मशीन थोड़ी सिलाई अच्छे से नहीं देती है, इसलिए मुझे इसकी डबल डबल सिलाई मुझे करनी पड़ती है। तो मैंने इसको देखिए इस तरीके से जोड़ लिया है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए बेल्ट तो हमने इस तरीके से जोड़ ही ली थी, अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है 2 बार, पहले डबल फिर इसको एक बार और डबल को फिर से फोल्ड करना है, और इस पर इस तरीके से निशान लगा लेने हैं। तो ये जो हमने निशान लगाए हैं, एक निशान जहाँ पर जोड़ आया है वो तो बीच में ही रहेगा, आसन वाला एरिया हो जाएगा, और जहाँ पे हमने ये निशान लगाए हैं साइड में ये हमारे आ जाएंगे जहाँ से हमें प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। और इस तरीके से हमें यहाँ पे इसमें प्लेट्स डालनी है। तो हमने देखिए आसन वाला एरिया सिल लिया था, तो ये बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगी। और ये जो हमने 2 इंच का साइड से काटा था इसको सबसे पहले हम सिलाई लगा लेंगे इसमें इसी तरीके से, बस सीधी सीधी, और वहाँ से हमें इस तरीके से चुन्नट डालनी है। और जहाँ हमने बेल्ट में निशान लगाया है उस निशान के दोनों तरफ से हमें चुन्नट अंदर की साइड डालने हैं। तो इसको मैं ये जो 2 इंच वाला हिस्सा है इसको यहाँ पे ही बिल्कुल बीच में रखना है जहाँ पे हमने निशान लगाया है, और ये बीच में रहेगा आसन वाला एरिया। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको 2 इंच वाले को इसी तरीके से जिस तरीके से हमने कट किया था सेम उसी तरीके से, बस एक इस पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से।
यहाँ से। और देखिए ये सिलाई हमने इस तरीके से लगाई है और बस यहीं से चुन्नट की शुरुआत हो जाएगी। दूसरे में भी सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने जब इसको खोला तो ये सीधी सी सिलाई हो गई है। और अब इसी सिलाई पर हमें इस तरीके से एक एक डेढ़ डेढ़ इंच के चुन्नट हमें डालने हैं, प्लेट्स डालनी है बड़ी बड़ी इस तरीके से। देखिए अंदर की साइड डालनी है, जिधर सिलाई है उधर की साइड इनका जो इनको मोड़ना है हमें वो करना है। तो पहले मैं प्लेट्स बना लूँगी, इससे क्या है ना, इससे बाद में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। जब हम बेल्ट में इसको जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर बेल्ट के साथ ही हमें चुन्नट बनाने होंगे तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, ऐसे बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब हम दूसरी साइड की चुन्नट डाल लेते हैं। देखिए पहले हमने इधर की साइड लगाए, अब हम इधर की साइड लगा रहे हैं। तो हमारी जो धोती सलवार के साइड में जो बहुत सारे दिखाई देते हैं ना बड़ी बड़ी प्लेट्स, वो इस तरीके से आ जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लगेंगी। ऐसे ही हम दूसरी वाली दूसरी तरफ की भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारे में चुन्नट बन गए हैं। इसी तरीके से हम दूसरा वाला भी बनाएंगे। और देखिए मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, ये मैंने आपने देखा था निशान जो लगाए थे हमने, बिल्कुल सेम वहीं पर आया है जहाँ पे हमने 2 इंच वाला जोड़ रखा था और उसके दोनों तरफ से चुन्नट डाल दिए हैं। और बीच में जो आसन वाला एरिया है वो आ रहा है, बीच में बेल्ट में जो जोड़ है वहाँ पे आ रहा है। आप वहाँ पे पहले निशान लगा लें अगर आपकी बेल्ट में जोड़ नहीं है तो इस तरीके से, तो आप वहाँ पर भी निशान लगा लें। और देखिए मैंने दोनों में चुन्नट डाल लिए हैं। अब देखना इसको ना जोड़ने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बस इसको इस तरीके से बेल्ट के ऊपर रखेंगे और इसको सिल देंगे, सीधी स्लाइस में इस तरीके से लगा देंगे एक। तो मैं इसको जोड़ रही हूँ इस टाइम। गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आई बेलकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और देखिए गाइस इस तरीके से हमने बेल्ट में नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है वो जोड़ लिया है। अब ये इधर वाला जो पोर्शन है इसको हम सिलेंगे, लेकिन हम इसको ऊपर से 2.5 इंच छोड़ देंगे, 2.5 इंच ऊपर बेल्ट से हम छोड़ देंगे, बाकी हम सारा सिल लेंगे। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। उसकी भी एक वजह है, उसके लिए मैंने एक तो इसमें हमें इलास्टिक डालने में आसानी रहेगी अगर आप इलास्टिक डालना चाहते हैं, दूसरा अगर आप इसमें कमरबंद डालना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें डाल पाएंगे इलास्टिक के साथ भी, और इलास्टिक से अलग भी डाल सकते हैं। तो पहले मैं इसको नीचे नीचे जोड़ लेती हूँ। ऊपर से मैंने इसको लगभग 2 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही मैंने इसको छोड़ रखा है। तो देखिए ये तो नीचे वाला तो जुड़ गया है। अब जो हमारा ऊपर वाला 2.5 इंच हमने छोड़ रखा था उसको भी हम सिलेंगे, लेकिन हम बीच में 1/2 इंच छोड़ देंगे, लगभग 1/2 इंच हम इसको छोड़ देंगे बीच में, और ऊपर ऊपर का हिस्सा हम सिल लेंगे 1.25 इंच। तो देखिए इस तरीके से जब हमने इसको सिला तो ये बीच में एक होल आ गया है इसमें, ये देखिए इस तरीके का एक होल बन गया है। और इसमें ये जो हमारी सिलाई है इसको हम दोनों साइडों से इस तरीके से, देखिए होल बाहर की साइड आ जाएगा ये वाला। और अब इसमें जो हमने सिलाई करी है ना, इसकी जो ये अंदर वाली सिलाई का जो कपड़ा है इसको हम दोनों साइडों को करेंगे, इधर का इधर साइड और उधर का उधर साइड करके, और हम इस पर इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। और जहाँ तक हमारी बेल्ट है बस वहीं तक ही सिलाई लगानी है, बाकी नीचे छोड़ देना है ऐसे ही। तो उधर की साइड भी सिल लेते हैं, वहीं से वापस हो जाएगी मशीन। और ये देखिए इस तरीके से हो गया ना, तो इसमें बहुत ही क्लैरिटी आ गई है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, ऊपर जो नेफा है उसको फोल्ड करेंगे हम इस तरीके से। तो हमारा जो वो होल हमने बनाया था वो बाहर की साइड आ गया है, और वहाँ से आप कमरबंद डाल सकते हैं और वहाँ से आप इलास्टिक भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे अंदर। तो देखिए मैंने फ़ोल्ड तो कर लिया है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ इलास्टिक। इलास्टिक आपकी जितनी कमर है उससे आप 4-5 इंच थोड़ा कम ही लें नाप के, और आप उसमें उतनी इलास्टिक डाल दें।
और इलास्टिक के साथ में आप कमरबंद भी डाल सकते हैं। पहले इलास्टिक डाल दीजिए, इलास्टिक को आप एक दो बार सिल लीजिए उसके साथ में, और उसके बाद जो है आप कमरबंद डालेंगे तो वो भी इजीली उसमें डल जाएगा। देखिए इलास्टिक डाल दिया, अब मैं इलास्टिक को जोड़ लेती हूँ। इसमें चार पांच सिलाई इस तरीके से लगाएंगे और ये जुड़ जाएगी। और जहाँ से मैंने कमरबंद के लिए होल बनाया है वो वहीं से मैंने इसको इलास्टिक को डाला है, अलग से नहीं डाला है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ये डल जाएगी। ये देखिए अब हम इसको अंदर कर देंगे, जो भी बाहर निकली हुई है अभी इसको हम अंदर कर देंगे। तो देखिए अंदर हो गई है, और अब हम इस पर ऊपर दो दो सिलाई लगा देंगे, एक ऊपर के कोने पर और एक नीचे वाले कोने पर। उसके बाद देखिए नीचे पोंचे को ले लेते हैं। पोंचे में मैंने इसमें इसको इस तरीके से थोड़ा थोड़ा नीचे से फोल्ड किया है अंदर की साइड, और ऊपर से मैंने इस पर एक लेस लगा दी है। पहले मैं ये वाली लेस लगा रही थी, लेकिन मुझे ना ये लगा के अच्छी नहीं लगी, तो फिर उसके बाद मैंने दूसरी लेस ट्राई की तो वो अच्छी लगी, उसको मैंने रहने दिया और ये वाली मैंने हटा दी। तो मैं पहले इसमें इस तरीके से अंदर की तरफ छोटी छोटी सिलाई लगा रही हूँ हल्की सी, बारीक बारीक मोड़ के। और इस पे मैंने ऊपर से इस तरीके से लैस रखी और इसको मैंने सिल दिया। ये वाली लैस मैंने नहीं लगाई है गाइस, पहले मैंने ये लगा के देखी तो इससे मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है, तो मैंने फिर इसको हटा के दूसरी वाली लगा ली, लेकिन लगाई सेम ऐसे ही है। और हमारी जो सलवार का पोंचा है इससे और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो देखिए मैंने ये वाली लेस इसमें लगाई है बाद में, और हमारी सलवार के पोंचे ऐसे लग रहे हैं, लग रहे हैं ना प्यारे। और बस इसमें अब एक सिलाई बाकी रह गई है, ये नीचे वाली, बस इसमें यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी और हमारी सलवार हो जाएगी एकदम रेडी। और बहुत ही ज़्यादा भारी सलवार बनी है, बहुत ही अच्छी लग रही है। और आपको कैसी लगी ज़रूर बताना वीडियो में, लाइक तो एक डाल ही देना प्लीज़। चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारी सलवार एकदम रेडी हो गई है पहनने के लिए। और देखिए ये पाँचे तक हम इन्हें इस पाँचे से उस पाँचे तक ये वाली सिलाई भी हमने लगा दी है। और मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, लग रही है ना अच्छी। ये मैंने पूरा कुर्ता ट्राई किया कि कैसा बना है, और मुझे तो ये बहुत ही अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखिए कितने सारे इसमें प्लेट्स आए हैं और कितनी भारी सलवार बनी है। और इसके साथ हमारी चुन्नी भी अच्छी लग रही है, ये देखिए। काफ़ी सारी इसमें प्लेट्स आ गई हैं। तो गाइज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।